तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, मुख्य द्वार पे अंदर भी है और बाहर भी है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। इस वक्त मुंगेर में हूं। उपचुनाव जो बिहार के दो सीटों पर हुए हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो तारापुर का जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना मुंगेर में हो रही है। मुंगेर का डीजे कॉलेज आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं। बैरिकेटिंग किया गया है, जगह जगह बैरिकेटिंग किया गया है और इस स्थान से आगे जो मतगणना स्थल है डीजे कॉलेज में, वहाँ तक गाड़ियों के प्रवेश पर यहाँ से वर्जित कर दिया गया है। यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं बढ़ सकती है, यहाँ पर रोका जा रहा है गाड़ियों को और यहाँ पर पार्किंग में खड़ा करवाया जा रहा है, सारी गाड़ियों को लगवाया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मुंगेर के SP जे रेड्डी, SDPO, SDM और उनके साथ सुरक्षा बल, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जांच के बाद, पूरी जांच के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ने दिया जा रहा है। मतगणना अभी शुरू होने में थोड़ा वक्त है। आइए हम बात करते हैं SP साहब से और जानना चाहेंगे क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर के SP जे रेड्डी साहब, बात करते हैं उनसे। सर, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पर काउंटिंग होना है? तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, मुख्य द्वार पे अंदर भी है और बाहर भी है और पार्किंग का व्यवस्था किया गया है और ट्रैफिक का प्लान करके भी सारा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा को लेकर कैसा क्या सर व्यवस्था है, चूँकि सारी पूरी बिहार की नज़र सर सीट पर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ के समर्थक यहाँ पर जुटेंगे, उसके लिए क्या ये किया गया है? पर्याप्त संख्या में है पुलिस, पर्याप्त संख्या में है कि और हमारा पुलिस सीनियर ऑफिसर्स भी है, हम लोग अलर्ट है और सब हम लोग सारा इंतजाम किया गया है। थैंक यू, थैंक यू। तो सुना आपने, SP थे मुंगेर के, बता रहे थे कि सारे इंतजाम किए गए हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। पार्किंग यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र है, जहाँ पर मतगणना अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। बने रहे मेरे साथ, खबरें अभी और भी हैं।